वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज सुजाता। तो आज का टॉपिक होने वाला है गाइस, कॉपर्टी को कैसे निकाला जाता है, कैसे निकलती है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉपर्टी को कैसे निकाला जाता है, वो कैसे निकल सकती है। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, मैंने अपनी बहुत सारी ऐसी वीडियोज बनाई है कॉपर्टी से रिलेटेड। अगर आपने इसको चेकआउट नहीं किया तो मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो रही बात निकालने की, तो निकलवाना भी बहुत ही आसान होता है। जिस तरीके से लगाई जाती है, लगाना जितना आसान होता है, उसी तरीके से इसको निकलवाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है गाइस। जस्ट आप ओपीडी जाइए, ओपीडी प्रोसीजर होता है। आप हॉस्पिटल के ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जाइए, जहां आपके आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वहां पे आप पेशेंट जहां पे देखते हैं वो होती है ओपीडी। आप अगर वहां पे जाएंगे और उनको बताएंगे कि आपको कॉपर्टी को रिमूव कराना है, तो बहुत ही आसान होता है, उसको निकाल दिया जाता है। ओपीडी प्रोसीजर होता है, थोड़ी बहुत ब्लड की टेस्ट कराते हैं ताकि जाके आपको देख सके कि एनीमिया वगैरह तो नहीं है, हीमोग्लोबिन लेवल वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि बाई चांस कभी ऐसा हो सकता है कि ब्लीडिंग होने की चांसेस हो आफ्टर द रिमूवल ऑफ कॉपर्टी। तो बहुत ही इजी प्रोसीजर है, ओपीडी में आपको देखते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। अगर हम लोग को अगर ऐसा जनरली अगर हम लोग फिंगर इंसर्ट करके थोड़ा सा पालपेट करते हैं, पीवी एग्जामिनेशन कर लेते हैं, अगर क्लेरिफाई हो जाता है, थ्रेड मिल जाता है, पीपीआईओसीडी का कॉपर्टी का थ्रेड अगर नीचे की तरफ लटक रहा होता है अगर प्रॉपरली मिल जाता है, तो उसी की हेल्प से उसकी के थ्रू हम जाते हैं और देख लेते हैं कि कॉपर्टी किस जगह पे इंसर्टेड है, किस जगह पे फिक्स्ड है। फिर उसको विद द ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं एंड बहुत इजी प्रोसीजर होता है। विद इन अ 5 और 10 मिनट्स हम उसी थ्रेड के थ्रू जाके कॉपर्टी को रिमूव कर देते हैं। बट मैं एक बात कहना चाहूंगी, इसको घर पे बिल्कुल भी मत निकालिएगा, घर पे ट्राई मत करिएगा निकालने का कि थ्रेड के सहारे आप थ्रेड से पकड़ के खींच दे और निकल जाए। नो गाइज, आप बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। आप ओपीडी जाइए, 5-10 मिनट का प्रोसीजर होता है, कोई दर्द नहीं होता है। अगर ज्यादा दर्द की आपको मीन्स परेशानी होती है तो एक इंजेक्शन लग जाता है, जिसकी वजह से कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, कुछ ज्यादा पता नहीं चलता, आपको एडमिट नहीं किया जाता है, ओपीडी बेसिस पे प्रोसीजर होता है एंड ये निकाल दिया जाता है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसको आपको कब निकलवाना है, अगर आपने लगवाई है, अगर आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी चाहिए, इफ यू वांट प्रेगनेंसी देन यू विल रिमूव। एंड अगर इसका जो ईयर है, अगर 5 साल वाली है, अगर 5 साल से ज्यादा की हो गई है, तब आप इसको निकलवा सकते हैं। अगर 10 साल वाली लगवाई है, 10 साल से ज्यादा की हो गई है अगर आपकी कॉपर्टी का ईयर, तो अब आप इसको निकलवा सकते हैं। एंड अगर आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी चाहिए तब आप निकलवा सकते हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, फाउल स्मेल आ रहा है, आपको कोई और चीज की परेशानी हो रही है, तब आप इसको इजीली निकलवा सकते हैं एंड ये इजीली निकल जाता है एंड आपकी नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, निकलवाने के बाद ब्लीडिंग होगी, आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इजीली लाइफ ऑन गोइंग रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मेक श्योर मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कैसे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।